स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट स्पीच कर रहे थे और हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम वर्ब की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वर्ब आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि वर्ब कोई काम सार करता है, फेल होता है, इट शो एन एक्शन। तो सबसे पहले वर्ब की टाइप हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इसमें हमेशा हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उस सेंटेंस में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है कि सेंटेंस में, उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट। तो ये इन दोनों का मेनली डिफरेंस है। अगर कोई सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है तो आप उसको इंट्रांसिटिव कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो ट्रांसिटिव होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं शी टेक्स अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। अब इसमें टेक्स तो हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास इसमें यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट टी हमारे पास यूज हुआ है, कप यूज हुआ है। तो इस तरह जब ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन नेक्स्ट अगर हम एक इंट्रांजिटिव की एग्जांपल देख लें, जैसे सिंपल से कोई हम एग्जांपल लेते हैं, वी स्लीप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब हियर स्लीप इज अ वर्ब और इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज ना हो रहा हो तो उसको आप इंट्रांसिटिव कहेंगे, और जब ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो उसको आप जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सी वर्ब की टाइप है, हेल्पिंग वर्ब्स। हम लोग हर तकरीबन ज्यादातर सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ज्यादातर जो कंटिन्यूस की सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, परफेक्ट में भी यूज होती है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज होती है, सिर्फ इनडेफिनेट्स में नहीं यूज होती है, बाकी सब में। हेल्पिंग वर्ब ही हमारे पास कौन सी होती है? इनमें सारे जो है बी इज द हेल्पिंग वर्ब। यानी बी, अब बी हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? बी में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, was, were, will, shall, they are included in be। तो ये सब हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी यूज हो सकती है, नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकती है मेन वर्ब के साथ, और हमेशा ये जो है मेन वर्ब इनके साथ यूज होगी होगी। ठीक है, मेन वर्ब ऑलवेज यूज्ड, इनके साथ मेन वर्ब ऑलवेज यूज होगी, वैसे अकेले वो नहीं। जैसे आई एम reading book, तो here am is a helping verb and reading is also the main verb। तो हमेशा helping verb जो है वो main verb के साथ use होगी। I am book हम इस तरह से नहीं मतलब use कर सकते हैं। तो helping verb के अलावा एक और जो हमारे पास verb की type है वो है हमारे पास model verbs। ये भी काफ़ी important हैं और काफ़ी use होती हैं। ये model verbs ज़्यादातर हमारे पास ये necessity या possibility को show करती हैं, नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी को शो करती हैं। ठीक है, यानी जैसे आपने किसी ऐसा परमिशन भी यूज होती हैं, आप परमिशन लेते हैं तब भी आप मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। सबसे पहले बता दूं मॉडल वर्ब्स हैं क्या। मॉडल वर्ब्स में ये वाले वर्ड्स आते हैं, मस्ट, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। अब जिस तरह अगर हम मे यूज करें तो हम अक्सर बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। इसमें अब एक प्रे की जा रही है, तो मे यानी ये नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन या प्रेयर्स, ये सारी चीजें जो है मॉडल वर्ब्स में यूज होती है। मे यानी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, और इसमें एक्सक्लेमेटिव मार्क्स रहता है। इस तरह अगर हम कोई और यूज करें कैन, तो कैन आई स्विम, इसमें एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि कैन आई स्विम। और जिस तरह आप के मे आई इंटर द क्लास रूम, ये बहुत यूज हम लोग सेंटेंस करते हैं। तो इस तरह की ये वाली जो सारी वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स।
सो रेगुलर वर्ब्स ये काफ़ी सिंपल हैं, ज़्यादातर वर्ब्स हमारे पास रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं और इनकी पहचान ये है कि इनके मतलब एंडिंग होती है डी या ई डी से, यानी इनके लास्ट में डी या ई डी आता है, ठीक है। और पास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है इसमें एड होती है, यानी पास्ट फॉर्म्स आती हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स में ज़्यादा आती हैं। और इररेगुलर वर्ब में हमारे पास जो है ये होता है कि हमारे पास इसमें ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये डिफरेंट वे में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह एक वर्ड है, पहले हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वर्ब हम ले लेते हैं, जैसे टेक टुक टेकन। अब ये आपने ली है, अब ये हमारे पास रेगुलर वर्ब नहीं है टेक टुक टोकन, दिस इज इररेगुलर वर्ब, क्योंकि रेगुलर वर्ब में हमारे पास जो वर्ब्स हैं उनके आखिर में ई डी ई आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की, जैसे उसके अलावा गो वेंट गोन, ये भी हमारे पास इररेगुलर वर्ब की एग्जांपल है कि इनमें डिफरेंट वे में जो है हमारे पास उसकी पास्ट और आगे डिफरेंट फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे। और रेगुलर वर्ब में हमारे पास सिंपल डी या ई डी उस वर्ड के आखिर में आएगा, लेकिन जो डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास यानी उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स की बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वो हमारे पास जो है वो इररेगुलर वर्ब में आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप सो आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ वर्ब की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।